ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में जारी कोरोना महासंकट का ग्राफ हिचको ले रहा है, जिसके चलते किसी दिन कम तो किसी दिन चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछले 3 दिन से लगातार कम हो रहे कोरोना संक्रमण के नए आंकड़ों में सोमवार को फिर से तेजी देखी गई। इसके साथ ही मौतों के आंकड़ों में कमी नहीं होना सबसे बड़ी घबराहट पैदा करता है। सोमवार को आई चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 11,597 नए कोरोना संक्रमित केस मिले, जबकि 157 लोगों की जान चली गई। हां, लेकिन प्रदेश में रिकवर मरीजों की संख्या बहुत बढ़िया यानी 29,459 रही, जिसके कारण प्रदेश में एक्टिव केस 1.94 लाख से घटकर 1.76 लाख पर पहुँच गए हैं। प्रदेश में जहां सुकून देने वाली बात यह है कि कोरोना संक्रमण के एक्टिव केसेज लगातार कम हो रहे हैं और रिकवर मामलों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं अब ब्लैक फंगस के लगातार बढ़ते मामलों ने सरकार और जनता की नींद उड़ा दी है। अकेले राजधानी जयपुर में ब्लैक फंगस के 100 से अधिक ज्यादा मरीज हैं, जो पिछले कुछ दिनों में ब्लैक फंगस की शिकायत के बाद अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। वहीं इस बीमारी की शिकायत के कई मरीज अब प्रदेश के अन्य जिलों से जयपुर रेफर होने लगे हैं। वहीं ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। प्रदेश सरकार ने लाइपोजोमल एम्फोटेरिसिन बी के 2,500 वायल खरीदने के सीरम कंपनी को ऑर्डर दे दिए हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार देश की 8 बड़ी फार्मा कंपनियों से संपर्क कर रही है और दवाई की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर भी किया जा रहा है। इस मामले में सोमवार को चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि अन्य दवाओं की तरह केंद्र सरकार ने ब्लैक फंगस की दवा को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है और वही राज्यों को आपूर्ति कर रही है। मंत्री शर्मा ने बताया कि प्रदेश को भारत सरकार से केवल 700 वायल ही प्राप्त हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात कर राज्य को कम से कम 50,000 वायल देने का आग्रह किया है। रघु शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि प्रदेश में मरीजों के अनुपात में दवाओं का वितरण करे, ताकि इस गंभीर बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि कोरोना के बाद डायबिटीज के मरीज ज्यादा समय तक आईसीयू में रहने, संक्रमण और स्टेरॉइड दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल और कमजोर इम्यून सिस्टम के चलते ब्लैक फंगस के शिकार हो जाते हैं। रघु शर्मा ने यह भी कहा कि कोरोना के इलाज के दौरान ब्लड शुगर का स्तर नियमित जांच करते रहें। ज्यादा ब्लड शुगर होने पर इस रोग की आशंका बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि सरकारी व निजी अस्पतालों में कोविड के दौरान सीमित मात्रा में स्टेरॉइड देने के लिए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल SMS में सरकार ने ऐसे मरीजों के लिए सोमवार से विशेष OPD शुरू की है, जबकि रेडियोथेरेपी विभाग में इसके लिए एक अलग से 33 बेड्स का वार्ड भी बनाया गया है। इस वार्ड में सोमवार तक 23 मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें से 3 का कल ऑपरेशन भी किया गया। वहीं जयपुर के एक निजी अस्पताल में पिछले कुछ दिनों में लगभग 60 से ज्यादा मरीज इस बीमारी की शिकायत के बाद भर्ती हुए हैं, जिनमें से कई इलाज के बाद छुट्टी लेकर जा चुके हैं। वहीं जोधपुर में भी ब्लैक फंगस के केस सामने आने लगे हैं। जोधपुर एम्स में पिछले दिनों 50 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं। वहीं सोमवार को आई चिकित्सा विभाग की राज्य में जिलेवार रिपोर्ट देखें तो लगातार सबसे ज्यादा संक्रमित केस 2023 जयपुर में ही मिले, जबकि 8,825 मरीज जयपुर में ठीक भी हुए। जयपुर के अलावा जोधपुर में भी रिकवर मरीजों की संख्या ज्यादा रही। यहां 4,251 मरीज ठीक हुए, जबकि 954 पॉजिटिव केस मिले। जोधपुर में रविवार तक जहां एक्टिव केस 19,000 से ज्यादा थे, कल वह कम होकर 15,709 रह गए। राहत की बात यह है कि अरसे बाद राज्य के 4 जिले ऐसे रहे जहां से 100 से कम नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट बढ़ने और संक्रमण दर घटने में एक्टिव केस में बड़ी कमी आई है। वहीं 25 जिलों में कोरोना मौतें भी हुई हैं। सर्वाधिक 39 मौतें राजधानी जयपुर में हुई हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटों में जयपुर में 2023, अलवर में 1,104, जोधपुर में 954, कोटा में 525, उदयपुर में 510, श्रीगंगानगर में 450, बीकानेर में 410, भरतपुर में 409, दौसा में 406, झुंझुनू में 402, चूरू में 401, सीकर में 381, जैसलमेर में 367, अजमेर में 310, हनुमानगढ़ में 304, चित्तौड़गढ़ में 289, बाड़मेर में 219, झालावाड़ में 211, पाली में 204, भीलवाड़ा में 203, बारा में 201, डूंगरपुर में 171, राजसमंद में 154, सिरोही में 142, नागौर में 138, धौलपुर और करौली में 116, सवाईमाधोपुर में 101, बांसवाड़ा में 100, प्रतापगढ़ में 91, बूंदी में 89, टोंक में 80 और सबसे कम जालौर में 16 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटों में हुई मौतों को देखें तो सबसे ज्यादा जयपुर में 39, जोधपुर में 12, बीकानेर में 12, उदयपुर में 11, अलवर में 10, झालावाड़ में 10, झुंझुनू में 8, भरतपुर में 6, कोटा में 6, पाली में 5, अजमेर में 5, राजसमंद में 5, सीकर में 4, भीलवाड़ा में 4, बाड़मेर में 2, बूंदी में 2, चित्तौड़गढ़ में 2, चूरू में 2, श्रीगंगानगर में 2, हनुमानगढ़ में 2, करौली में 2, नागौर में 2, सवाईमाधोपुर में 2, जैसलमेर और टोंक में 1-1 मरीज की मौत दर्ज की गई है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर।
ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।